तो सर आपने कब से शुरू किया हुआ है ये टैगोर इंस्टीट्यूट, कब शुरू किया था? हमने टैगोर कोचिंग सेंटर, जो आवासीय कोचिंग सेंटर है, वो अप्रैल 2007 में शुरुआत की थी उसकी। जी जी। तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि गांव से ग्रामीण प्रतिभाएं, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको अधिक से अधिक मौका मिले। उसके लिए हमने पहले सिस्टम ये किया था, जो फीस रखी थी वो पूरी रिफंड का सिस्टम रखा था, और उसका टाइम 3 साल के लिए रखा था कि 3 साल में अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए डिग्री प्लस उसका भोजन, आवास, कोचिंग, बिस्तर, कपड़े, स्टेशनरी, यूनिवर्सिटी फीस, टोटल उसका फ्री था, टोटल फीस हम रिफंड करते थे। अब धीरे धीरे सब जगह ये कोचिंग का हब हो गया, कुचामन के अलावा पूरे राजस्थान में भी कई जगह कोचिंगें हो गई, तो अब लोगों के लिए विकल्प हो गए। तो अब हमने 2 यहाँ प्रकोष्ठ चालू कर रखे हैं, एक तो 1 वर्ष का है और एक 3 वर्ष का है। 1 वर्ष में नॉन रिफंडेबल है और 3 वर्ष में हम 2 लाख रुपए रिफंड करते हैं। अगर 3 साल में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको हम ग्रेजुएशन बच्चे की हो जाती है साथ में, और उसको 2 लाख रुपए रिफंड करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपके पास तो मोस्टली जो केवल आर्मी, जो एयरफोर्स और नेवी, इन्हीं के लिए करते हैं? वैसे तो नेवी और एयरफोर्स है, नेवी और एयरफोर्स, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। इंडियन नेवी में भी SSR और AA, और एयरफोर्स में X ग्रुप और Y ग्रुप। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और इसके साथ साथ आपने कितने बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और कितने बच्चे अभी करंट में यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं? अब तक हमारे पास 2500 यानी 2500 से अधिक सिलेक्शन हो चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, 2500 से अभी तक सिलेक्शन हो चुके हैं बच्चों के? अभी हमारे पास 650-700 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान। 650-700 अभी पढ़ रहे हैं और 2500 से ज्यादा को आप नेवी और एयरफोर्स में ज्वाइन कर चुके हो, ज्वाइन करवा चुके हो। बहुत बढ़िया। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं सर, कुछ परसेंटेज मार्क्स आप उसमें? ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% होती है इसमें। अच्छा। क्योंकि नेवी में फॉर्म फिल करने के लिए 60% जरूरी होता है। अच्छा। और एयरफोर्स में 50% है, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके और लिए एज एज लिमिट है वो 16 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, 16 से 19 होना चाहिए। और इसमें कुछ जैसे टॉपर बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स ले गए, उनके कुछ डिस्काउंट भी करते हैं क्या? डिस्काउंट हमारा फीस स्लेब बना हुआ है परसेंट वाइज। अच्छा। 60% से लेकर के जो भी मैक्सिमम जितने परसेंट उनके अनुसार स्लेब बना हुआ है। उसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम पहले फ्री एडमिशन देते हैं, उनकी एक शर्त होती है, हमारा एग्रीमेंट होता है कि वो जब नौकरी लग जाते हैं तब उनको आफ्टर सिलेक्शन जो उनका पेमेंट मिलता है उसमें से हमारे को फीस वो देते हैं। अरे वाह सर, वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। सर ने तो इतनी ओपन कर, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब जॉब लग जाते हैं, जब सैलरी मिलती है, तब उनको फीस देनी होती है। इससे बड़ा और क्या, शायद मुझे ऐसा कोई आज तक कोई दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्था। अच्छा सर, दूसरा आप ये यहाँ पर जो आप बेसहारा जो गायें होती हैं, जो किसानों ने या भाई दूध नहीं देती हैं, उनको छोड़ दिया है, खूंटे पर नहीं बांध सकता गरीब आदमी, तो वो जंगल में घूमती रहती हैं, उनके लिए आप यहाँ पर कब से कर रहे हो चारे की व्यवस्था? ये हमने जब यहाँ से हमने कोचिंग शुरुआत की थी तब यहाँ 1-2 गाय से हमारी शुरुआत हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद हम यहाँ चारा डालने लगे, फिर गायों का ग्रुप यहाँ से जो बेसारा गायें घूमती फिरती उधर से, उनको सबको ये पता लगने लग गया धीरे धीरे, भाई वो ग्रुप यहाँ आने लग गया। हाँ। फिर हमने इनके अंदर व्यवस्था कर दी इधर। अच्छा। पूरा आरसीसी का स्ट्रक्चर, फिर आगे टीन शेड पूरा बनाया हुआ है। अच्छा। दिन में इनको हम सुबह बाहर पहाड़ पर घूमने के लिए निकल जाती हैं, शाम को 5 बजे वापस आ जाती हैं, तो इनके चारे पानी की सब व्यवस्थाएं रहती हैं, और हर पूर्णिमा और अमावस को इनके लिए जो भी बंटा वगैरह वो लापसी वगैरह बना के इनको खिलाई जाती है सबको सबको। और जो हमारे पास बच्चे जो हैं उनको भी हमने गौसेवा से जोड़ रखा है। जब भी बच्चे परीक्षा के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, रिटर्न टेस्ट लिए, तब इनको गुड़ खिला करके फिर उनको हम रवाना करते हैं। सबसे उनका वो उद्देश्य भी है कि भाई गौ माता से आशीर्वाद लेकर के जाओ। हाँ। तो ये बच्चों का भी सेवा के प्रति, पढ़ाई के साथ साथ आप संस्कारों पे भी ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, सर ने अंदर कुछ गायें रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उनमें से कोई भी गायें खरीदी हुई नहीं है। जो गायें डिलीवरी के नज़दीक आ जाती है उसको अंदर रखा जाता है, और उसको फिर जब वो ड्राई हो जाती है तो फिर वो यहाँ ड्राई गायें सारी बाहर रहती हैं, तो यहाँ पे खाना खाती हैं, और अंदर उनको एक्स्ट्रा केयर करता है, बच्चे की परवरिश ठीक हो सके, बच्चा छोटा रहता है उसको तकलीफ ना हो, तो उसके लिए स्पेशल शेड बनाए गए हैं, और जो
नंदी हैं जो मिक्स ब्रीड के नंदी हैं, हाँ जी, रात के टाइम सभी अंदर रहते हैं। अच्छा, रात के टाइम पे सब अंदर कर देते हैं, सब अंदर हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम रहता है, वो गर्मी भी रहती है बाहर, सब अंदर, ये गेट खुलता है शाम को 4:30 बजे, यहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो बाहर यहाँ भी चारा डाल देते हैं, अंदर भी इनका चारा घर बने हुए हैं। अच्छा, रात को शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अच्छा, अंदर देख के आए सर? हाँ, अंदर चले। कहाँ से चलना सर? यहाँ से तो ये मैं थोड़ा सा बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ, टैगोर इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर 700 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जो कि एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हॉस्टल है इसके अंदर, यहाँ पर देसी गायों का दूध ही बच्चों को पिलाया जाता है, और सबसे बड़ी बात जो भोजन है, जो भोजन दिया जाता है वो भी बच्चों को ऑर्गेनिक दिया जाता है हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ पर जो रणबाकुरे हैं, फौजी तैयार होते हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए, जो टेक्निकल ग्रुप की जो सिलेक्शन होता है उनमें यहाँ से हर साल काफ़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं और अपने माँ बाप के साथ साथ टैगोर इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करते हैं। देश भर में सबसे ज़्यादा सर ने बताया कि देश भर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन टैगोर इंस्टीट्यूट से होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, हाँ, तो ये गोचर भूमि है आसपास में, तो दिन में उधर घूमने के लिए निकल जाती हैं। ये शेड बनाया हुआ है जहाँ पर सारी गायें आ जाती हैं। बहुत देखो, साफ सफाई देखिए आप, साफ सफाई, और रेत का जो बेड बनाया है बहुत शानदार है एकदम खुद। वाह भाई वाह, इतनी सुंदर व्यवस्था, और वो भी निष्काम भाव से, शायद ही कहीं देखने को मिलती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन को प्रसन्नचित करने वाला दृश्य है। और ये यहाँ पे आ हा 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 हा, नागौरी गायें कितनी मनमोहक, आ हा 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 हा। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ, आप देखो, दोपहर का 12 बजे का समय है, बच्चा अपनी माँ के साथ है, दूध पी रहा है, कितने दोनों माँ बेटा कितना खुश है, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर। बच्चे को माँ के प्यार की कोई कमी नहीं है, और रेत है पूरा, साफ सफाई है, शेड बनाया हुआ है, गायें भी बहुत सुंदर सुंदर गायें हैं। ये वो गायें हैं जो किसानों ने छोड़ रखी थी, इधर घूमती फिरती आ जाती हैं, जो बच्चे को जन्म दे देती हैं वो यहाँ पे अंदर आ जाती हैं, बाकी सब बाहर खाना खा रही हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सर, आपकी व्यवस्थाएं तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं, और एकदम से मन बहुत प्रसन्न हो गया है। तो आपको ये जो देसी गायों पे ही काम कर, देसी गायें ही दिख रही है मुझे ज़्यादातर यहाँ पे, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ आने वाले भविष्य में, आपको देसी और जर्सी का एक, क्योंकि इसके गाय के साथ जुड़े हुए, तो आपका व्यूज़ लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर किसानों के व्यूज़ लेता हूँ, लेकिन जो आपकी भावनाएँ हैं उसके बाद आपका व्यूज जानना भी जरूरी है। तो आने वाले फ्यूचर में आपको क्या दिखाई देता है देसी गायों का? आने वाले फ्यूचर में तो विदेशी नस्लें तो एकदम खत्म ही होने जा रही है ना, गवर्नमेंट ने भी अब ये पाबंद कर दिया सभी डॉक्टर्स को। अच्छा, कि गीर थारपारकर देसी नस्ल की जो गायें हैं वो उनकी इंजेक्शन लगाए जाए, उनको अच्छा। भी पाबंद कर दिया सभी डॉक्टर्स को, अभी वो इंजेक्शन ही बंद कर दिया ना। अच्छा, राजस्थान में अब उसके टीके आते ही नहीं है? नहीं, टीके आते नहीं, पाबंदी है उन पर, बैन है, उन पे बैन लगा दिया है। गीर थारपारकर साहिवाल जो भी देसी नस्ल की गायों के इंजेक्शन, उन्हीं के इंजेक्शन लगेंगे, और बाकी वैसे इंजेक्शन मिलने राजस्थान सरकार ने तो बैन कर दिया है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि हर एक गवर्नमेंट ऐसा करे और वो इंजेक्शन आने ही बंद हो जाए, इम्पोर्ट होने ही बंद हो जाए, और वापिस दोबारा से जो भारत की भूमि है वो स्वस्थ भूमि हो, हरित भूमि हो, और देसी गोपालन हर जगह हो, हर बच्चे को देसी गाय का दूध पीने को मिले। सर से जो भी हमारी चर्चा हुई है, अगर किसी को भी उसमें कोई डाउट रहता है या टैगोर इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर
रिसेप्शन का नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन आप टैगोर इंस्टीट्यूट के बारे में लेना चाहते हैं, टैगोर कोचिंग सेंटर के बारे में लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है टैगोर इंस्टीट्यूट के हॉस्टल की और क्लासरूम की बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे, इनका फेस उस तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे एक और उस व्यक्ति के साथ जो देसी गाय के साथ अटैचमेंट रखता है, चाहे वो कुछ भी कार्य करता है, कोई भी अपना बिजनेस व्यापार करता है, लेकिन वो देसी गाय के साथ आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसी शख्सियत से आपकी फिर मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।